तीजे को धनी क्षीर सागर पधारी जीरे, श्री परम धाम के नृत्य कोने में सुशोभित क्षीर सागर रूहों की एक तिली का सागर है। यहाँ की भूमि पीले रंग में शोभायमान हो रही है और यहाँ पर श्री राज श्यामा जी और सखिया खेलने आते हैं। आप श्री राज जी श्यामा जी शुक्ल पक्ष की तीज को खीर सागर में रमन के लिए पधारते हैं। रूही अपने धाम धनी श्री श्यामा जी श्याम के संग खीर सागर के चारों कोनों में आए रेती के मैदानों में है। नूरमय रेती मानो यहाँ की जमीन पर स्वर्ण बिछी है, कोमलता लिए सुगंधी लिए और सुंदर अति सुंदर फूलों की पीली पीली आभा से महकती बैठ गई। श्री राज श्यामा जी इन बैठकों पर विराजती हैं, कुछ सखियां संग में विराजती हैं, कुछ ब्रह्मप्रियाएं रेती में रमन कर रही हैं, नो तो पांव धस रहे हैं कोमल रेती में, तो कुछ पशु पक्षियों की लीला का आनंद ले रही हैं। बंदरों की उछल कूद, भालू के करतब और मोरों का रमणीक नृत्य पेश करना धाम के सुख अखंड सुख, तो कोई सखी असवारी के आनंद ले रही है और आवाजी लगा लगा के श्री राज श्यामा जी और सखियों को भी असवारी के लिए बुलाती है। श्री राज जी आसन से उठते हैं असवारी के लिए, आज हाथी पर असवारी के सुख ले, दिल में ये भाव आते ही हाथी हाजिर, नूरमयी शोभा से सुसज्जित होकर पियो के आशिक पिया के सन्मुख आते हैं। उनके नूरी आभूषण और उनके पीठ पे सजा सुंदर आसन धनी जी के लिए, पियो प्यारी श्यामा जी के संग हाथी पर असवार होती है, सखियों का समूह भी हाथियों पर असवार होता है, धनी संग रेती में असवारी के सुख लेते हैं। पियो पियो तुही तुही की मधुर गुंजार, उड़ती हुई रेती जब अंग को स्पर्श करती है तो नूरी शोभा से सज उठती है, पक्षी जूत के जूत आते हैं और धाम धनी की असवारी के सुख लेते हैं। सुंदर युगल जोड़ी के ऊपर फूलों की बरखा करते हैं, बंदर बाजंत्र बजाकर धाम धनी को रिझा रहे हैं, तो कुछ सखियां धनी से होड़ बांधकर असवारी कर रही हैं। इन समय की शोभा अपार है, तो कोई सखी तो असवारी करते करते एकटक आप श्री राज जी श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार को निरख रही है। पिया जी की अलौकिक छव उनका नूरी श्रृंगार, आप श्री राज जी श्यामा जी की मीठी मीठी मुस्कानी, और जब पिया बात करते हैं तो उन सब उनकी दंतावली, सुंदर दर्शन रीति रमन अस्वारी के अतंत सुखली के सागर किनारे आते हैं, तो सागर जल पीली आभा में सच अभिनंदन कर रहा है। जल के जीव भी स्वर्णिम आभा लिए तरह तरह की कलाबाजियां करके धाम धनी को रिझा रहे हैं। वनों की शोभा मानो सोने के वृक्षों, वनों में जब मिलावा आया तो फूलों की अद्भुत बरखा, फूल ब्रह्म प्रियाओं के कोमल अंग को स्पर्श करके आभूषण बन खिलखिला उठे। सागर किनारे सुंदर बैठ के सजी है धाम धनी के लिए, आप पिया उन पर विराजते हैं, अब आरोगने की लीला प्रारंभ होती है। सखियां बड़े ही प्यार से रुच रुच के धनी को भोजन आरोपवाती हैं, विध विध प्रकार के फल धनी को आरपवाती हैं। ये मेरी पिया ये आम बहुत ही मीठे हैं, ये लीजिए। धनी भी सखियों संग बैठ के आरोपते हैं, बीच बीच में मीठी बातें करके उनके मुख में मेवा रखते हैं, ये सखी ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। परम धाम के वनों में मेवे कई प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण है। आरोगनी की लीला के उपरांत बड़े से जल जहाज में बैठती है नूरी शोभा लिया ये जहाज, और जल में अटकेलियां करता हुआ
और जल के ऊपर नित्य के सुख। सखियां प्रस्तुत होती हैं, नृत्य करती हैं और धाम धनी को रिझाती हैं। अपनी सुंदर भाव भंगिना से, अपनी सुंदर वचनों से, अपने नृत्य से पिया के गुणगान में तरह तरह से गीत गाती है। सुंदर नृत्य धाम धनी जी के इश्क में भीगा भीगा, अखंड सुख मेरे धाम के। ए शोभा, ए सागर, ए सुंदरता सुख चैन, सागर खीर रस नूर के, ए सुख मोमिन देखे नैन, ए सुख मोमिन देखे नैन।